आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम योगी ने दिए हैं अहम निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। अब स्कूल 16 जनवरी तक रहेंगे बंद, बड़ी खबर सामने आ रही है। 10वीं तक के स्कूल 16 तारीख तक बंद। 11वीं 12वीं के बच्चे वैक्सीनेशन को बुलाए जाएंगे, सिर्फ टीकाकरण के लिए बुलाया जाएगा, बड़ी खबर सामने आ रही है। टीकाकरण के अगले दिन बच्चों को अवकाश दिया जाएगा। 11वीं 12वीं के बच्चों की कक्षाएं ऑनलाइन होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश, बड़ी खबर सामने आ रही है। अब स्कूल 16 जनवरी तक रहेंगे बंद। 10वीं कक्षा तक स्कूल 16 तारीख तक बंद, बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के स्कूल की छुट्टी को बढ़ा दिया है। पहले ये तारीख 14 जनवरी तक की थी, अब इसे 16 तारीख तक कर दिया गया है। वहीं टीकाकरण के लिए बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा, टीकाकरण के अगले दिन बच्चों को अवकाश भी दिया जाएगा। 11वीं 12वीं के बच्चों की कक्षाएं ऑनलाइन होंगी, बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, 2 दिन का और अवकाश बढ़ा दिया गया है बच्चों के लिए, कितनी राहत की खबर है? जी शिखा, जो बच्चों का टीका है, जो 15 से 18 साल के बच्चों का टीका है, उसे लगाने हेतु जो स्कूल को 14 जनवरी तक बंद किया गया था, उसे अब 16 कर दिया गया है, जिससे कोई साफ तौर पर कह सकते हैं कि कोई बच्चा छूट न पाए इस टीका से। और वहीं आपको बता दें कि 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन क्लास चलेगी, और जिन बच्चों को टीका लगेगा 11वीं और 12वीं के, उनको अवकाश भी दिया जाएगा, क्योंकि ये बच्चों को टीका लगवाने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा। जब इनके टीके का डेट होगा तो ये स्कूल जाएंगे और टीका लगवाएंगे। और आपको बता दें कि अब तक 1.60 करोड़ बच्चे प्रदेश में है, तो कल की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 70 लाख बच्चों को टीका लगा दिया गया है। वहीं ये ठंडियों की छुट्टी भी इसी में चल रही है, साथ ही साथ कोविड का टीका लगाने हेतु भी इस समय अवकाश दिया गया है। जी, तो जिस तरह से अवकाश की अवधि बढ़ रही है विभांशु, तो क्या ये और भी बढ़ सकती है आगे? जिस तरह से वैक्सीनेशन तेजी से बढ़ाया जा रहा है, तो इसको देखते हुए क्या छुट्टियां भी और बढ़ाई जा सकती है ताकि बच्चे सुरक्षित भी रहें, और ठंड का मौसम भी है तो विंटर वेकेशन भी चलता रहेगा? आमतौर पर हम देखते हैं कि खराब मौसम के कारण ठंडियों की छुट्टी हो जाती है। इस बार भी दिसंबर के आखिरी तारीख से और अब 16 तारीख तक छुट्टी दे दी गई है। अगर मौसम खराब रहा तो छुट्टियों को फिर बढ़ा दिया जाएगा। वहीं मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि खराब मौसम रहेगा, ठंडी रहेगी और वर्षा की संभावना बनी रहेगी। वहीं अगर बात करें लखनऊ की, तो कल रात में यहां लगभग 3 घंटे तक बारिश हुई है, जिससे ठंडियां और बढ़ गई है, और कोहरा खत्म हो चुका है, लेकिन ठंडियों में फिर हो चुका है, ठंडियां बढ़ चुकी है और तापमान जो है वो 9 के करीब पहुंच चुका है। तो आमतौर पर हम कह सकते हैं कि इससे बच्चों को ठंडियों से राहत भी मिलेगी और टीकाकरण में मदद भी मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। जिले में कोरोना ने पैर पसारना किया शुरू, बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र कानून राज्य मंत्री कोरोना की चपेट में। सांसद एसपी सिंह बघेल कोरोना पॉजिटिव, बड़ी खबर सामने आ रही। आगरा से सांसद है एसपी सिंह बघेल। जिले में कोरोना ने पैर पसारने किए शुरू, बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री कोरोना की चपेट में। सांसद एसपी सिंह बघेल कोरोना पॉजिटिव। आगरा से सांसद है एसपी बघेल। जिले में कोरोना ने पसारे पैर, बड़ी खबर सामने आ रही है। धीरे धीरे कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री भी कोरोना की चपेट में। सांसद एसपी सिंह बघेल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आगरा से सांसद है एसपी सिंह बघेल। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जिले में कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे कोरोना अपने पैर पसार रहा है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं।
आगरा से सांसद है एसपी सिंह बघेल, जो कि कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से रैलियां देखने को मिल रही हैं, वीवीआईपी लोग भी अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी चूक देखने को मिल रही है कोरोना रैलियों में, जनसभाओं में। और ऐसे में जो वीवीआईपी लोग हैं वो भी कोरोना संक्रमित होते अब नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना अपने पैर पसार रहा है। जहाँ वीवीआईपी लोग संक्रमित है वो अपनी जांच करा रहे हैं, इस बात का खुलासा हो रहा है कि कोरोना अपने पैर पसार रहा है। लेकिन जो लोग रैलियों में मौजूद हैं उनमें कई ऐसे लोग हैं जो जागरूक नहीं है, जांच नहीं करवा रहे हैं और कोरोना का प्रसार कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जब कोरोना अपने पैर पसार रहा है, लोगों की जो लापरवाही है वो भारी पड़ती हुई अब नजर आ रही है। खबर आगरा से है, जहाँ पे आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जिले में कोरोना अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। एसपी सिंह बघेल कोरोना संक्रमित हो गए हैं, आगरा से सांसद हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कोरोना के मामले अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सांसद एसपी सिंह बघेल भी कोरोना पॉजिटिव हैं। आगरा से सांसद हैं एसपी सिंह बघेल। तो कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो रैलियों में शामिल हो रहे हैं और अब उनके कोरोना संक्रमित होने की नजर खबर भी सामने आ रही है, और सांसद एसपी सिंह बघेल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। प्रादेशिक विकास सेवा संगठन का वार्षिक अधिवेशन 6-7 जनवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा आयोजित। 12:30 बजे अधिवेशन सत्र का होगा शुभारंभ। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री करेंगे सत्र का शुभारंभ। राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह करेंगे शुभारंभ। बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रादेशिक शिक्षा प्रादेशिक विकास सेवा अधिवेशन है, जो कि 6 और 7 जनवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जाएगा। 12:30 बजे अधिवेशन सत्र का होगा शुभारंभ। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री करेंगे सत्र का शुभारंभ। बड़ी खबर सामने आ रही है, राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह करेंगे शुभारंभ। बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रादेशिक विकास का जो कार्यक्रम है वो 6-7 जनवरी को आयोजित किया जाएगा IGP में। 12:30 बजे अधिवेशन सत्र का शुभारंभ होगा। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री करेंगे इसका शुभारंभ। राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह करेंगे शुभारंभ। बड़ी खबर सामने आ रही है, 6-7 जनवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम होगा। 12:30 बजे अधिवेशन सत्र का शुभ आरंभ होगा। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री करेंगे सत्र का शुभ आरंभ। राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह करेंगे शुभारंभ। बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रादेशिक विकास सेवा संगठन का वार्षिक अधिवेशन है। इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, कितनी बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और कितने दिन तक चलेगा? जी, आपको बता दें कि प्रादेशिक विकास सेवा संगठन का वार्षिक अधिवेशन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखा गया है। ये 6 और 7 जनवरी को चलेगा। जो समय की बात की आपने, तो 12 बजे इसको शुरुआत किया जाएगा, जिसके जिस शुभारंभ का जो जिम्मा दिया गया है वो ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह को दिया गया है, जिनको मोती सिंह के भी नाम से जाना जाता है। और इस कार्यक्रम में उन्हीं के द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान तमाम वहाँ इस विभाग के प्रमुख सचिव से लेके जो आयुक्त है वो लोग मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। CDS रावत हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच रिपोर्ट पेश। हेलीकॉप्टर में नहीं पाई गई कोई तकनीकी खराबी, ना ही पायलट या सह पायलट से हुई कोई चूक, बादलों के झुंड में फंस गया था हेलीकॉप्टर। बड़ी खबर सामने आ रही है, किसी पहाड़ी या चट्टान से टकराने पर लगी आग, ट्राई सर्विसेज की जांच टीम ने पेश की जांच रिपोर्ट। प्रमुख एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह ने सौंपी रिपोर्ट, ब्लैक बॉक्स और मौके की सूक्ष्म निरीक्षण रिपोर्ट पेश की गई। मानवेंद्र सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी रिपोर्ट। बड़ी खबर सामने आ रही है, CDS रावत हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच रिपोर्ट पेश। हेलीकॉप्टर में नहीं पाई गई कोई तकनीकी गड़बड़ी। बड़ी खबर सामने आ रही है, ना ही पायलट या सह पायलट, किसी से नहीं हुई कोई चूक, बादलों के झुंड में फंस गया था हेलीकॉप्टर। जिले में फूटा कोरोना बॉम्ब। बड़ी खबर सामने आ रही है, 70 कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने।
एक ही दिन में 70 संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर। अब जिले में कुल 131 से ज्यादा सक्रिय मामले। जिले में फूटा कोरोना बम। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां 70 कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। एक ही दिन में 70 संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर। 131 से ज्यादा सक्रिय मामले आए सामने। तो जिले में कोरोना बम फूटा है। बड़ी खबर सामने आ रही है 70 कोरोना पॉजिटिव एक साथ सामने आए हैं। एक ही दिन में 70 संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अब जिले में कुल 131 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। जिले में कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक साथ 70 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। जहां कोरोना के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वहीं एक बार फिर ये खबर सामने आ रही है जहां 70 संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले में कुल 131 से ज्यादा सक्रिय मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है कोरोना के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। एक ही दिन में 70 संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है, क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है जिले में फूटा कोरोना बम। बड़ी खबर सामने आ रही है 70 कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुहेल गौड़ जुड़ चुके हैं। सुहेल, कितने मामले एक बार में सामने आए हैं? जिस तरह से ये कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या लोगों में जागरूकता बढ़ रही है या लापरवाही अभी भी देखने को मिल रही है? आपको बता दूं, अभी बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 70 मामले सामने आए हैं, और अगर बात करें उससे पहले 24 घंटे की तो तब भी 27 मामले सामने आए थे। लगातार मामले बढ़ते भी जा रहे हैं कोरोना के। और लापरवाही की अगर बात करें तो भीड़भाड़ में अभी लापरवाही वही देखने को मिल रही है। लोग जो है जागरूक अभी नहीं हुए हैं। एक आपदा से अभी बाहर हुए थे, लेकिन दोबारा जो सिर पर विपत्ति आई हुई है उसे कोई समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। लेकिन प्रशासन अभी जो है जागरूकता के लिए लोगों को जगह जगह जो है कैंप लगा के जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। जी, अगर बात करें ओमिक्रॉन की तो उसके कितने मामले मिले अभी तक जिले में? जी देखिए, ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो अभी तक कोई किसी तरह के मामले की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कोरोना के अगर मामलों की बात करें तो टोटल 100 से पार 131 मामले अब तक जो है कानपुर के अंदर आ चुके हैं। जी, और अगर बात करें टेस्टिंग की तो जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं, तो क्या टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है एक बार फिर से? जी, अभी तक टेस्टिंग का कोई इतना बड़ा स्तर पर बढ़ाई नहीं गई थी, लेकिन जैसे कि मामले अभी सामने आ रहे हैं तो प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार जो है टेस्टिंग की जा रही है लोगों की, कोरोना मरीजों के परिवारजनों की, और जिन जिन के टच में हुआ है थे, तो इस लिहाज से देखा जाए तो टेस्टिंग को काफी तौर पर जो है बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर मैं संवाददाता सुहेल गौड़ जुड़े थे सहारनपुर से। रालोद आज कर सकती है बैठक। बड़ी खबर सामने आ रही है सीट शेयरिंग पर कर सकते हैं बैठक। अखिलेश जयंत के बीच होगी बैठक। बड़ी खबर सामने आ रही है सपा ने रालोद से किया है गठबंधन। सपा रालोद आज कर सकते हैं बैठक। सीट शेयरिंग पर कर सकते हैं बैठक। अखिलेश जयंत के बीच होगी बैठक। बड़ी खबर सामने आ रही है सपा ने रालोद से किया है गठबंधन। सपा रालोद आज कर सकते हैं बैठक। बड़ी खबर सामने आ रही है सीट शेयरिंग पर कर सकते हैं बैठक। अखिलेश जयंत के बीच होगी बैठक। अहम बैठक मानी जा रही है। सपा ने रालोद से किया है गठबंधन, जिसके बाद अब सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होने वाली है। सपा रालोद आज कर सकते हैं बैठक सीट शेयरिंग पर, ये अहम बैठक मानी जा रही है। अखिलेश जयंत के बीच जो बैठक होगी गठबंधन के बाद, ये बैठक अहम मानी जा रही है। सपा ने रालोद से गठबंधन किया है और अब सीट शेयरिंग को लेकर कर सकते हैं आज बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे नायब तहसीलदार को नियुक्त करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है चयनित प्रवक्ता सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र भी देंगे। 11 बजे स्वरोजगार के तहत करेंगे ऋण वितरण। 5,06,995 लाभार्थियों को देंगे बड़ी सौगात। 2 बजे कोविड प्रबंधन के संबंध में करेंगे बैठक।
बबनान में दो गुटों में जमकर मारपीट के बाद दो बाइकों में लगाई गई आग, बड़ी खबर सामने आ रही है। मारपीट आगजनी के बाद दोनों गुट फरार, बड़ी खबर सामने आ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। गौर थाना के बबनान कस्बे की घटना बताई जा रही है। बबनान में दो गुटों में जमकर मारपीट, तस्वीरें देख सकते हैं आप। मारपीट के साथ आगजनी भी की गई है। मारपीट के बाद दो बाइकों में आग लगाई गई, बड़ी खबर सामने आ रही है। मारपीट आगजनी के बाद दोनों गुट फरार, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी, बड़ी खबर सामने आ रही है। गौर थाने के बबनान कस्बे की घटना बताई जा रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। बबनान में दो गुटों में जमकर मारपीट, मारपीट के बाद दो बाइकों में लगाई गई आग, मारपीट आगजनी के बाद दोनों गुट फरार, पुलिस जांच में जुटी, बड़ी खबर सामने आ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। गौर थाना के बबनान कस्बे की घटना बताई जा रही है। बबनान में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, बड़ी खबर सामने आ रही है। जब मारपीट के बाद दो बाइकों में लगाई गई आग, मारपीट आगजनी के बाद दोनों गुट फरार, मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर पाया काबू, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जिले में कोरोना का तांडव जारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में एक दिन में मिले 52 मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 91, बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में कोरोना का तांडव जारी, गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में एक दिन में मिले 52 मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 91, गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में कोरोना का तांडव जारी, कोरोना के मामले लगातार गोरखपुर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 52 मरीज मिले हैं एक ही दिन में, बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 91। एक साथ कोरोना के कई मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। जिले में एक साथ एक ही दिन में 52 मरीज मिले हैं। इस खबर में हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गोविंद जुड़ चुके हैं। गोविंद, जिस तरह से इतनी तेजी से मामले सामने आ रहे, क्या कहेंगे, कितनी तेजी से जांच की जा रही है, लोगों में अभी भी कितनी लापरवाही है? जी शिखा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोरखपुर के लोगों में परवाही अभी भी पूरी तरीके से बनी हुई है। लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग किए, बिना मास्क के सड़कों पर निकलना संख्या में निकल रहे हैं, बेवजह निकल रहे हैं। कल हमने रियलिटी चेक किया, आपने देखा होगा जिस तरह से लोग भीड़ लगवाने के लिए उपड़े तो हैं, भीड़ तो बहुत है, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, मास्क लोगों ने नहीं लगाया है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो गोरखपुर की जो जिला महिला चिकित्सालय में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, वहाँ भारी संख्या में कल भीड़ देखने को मिली और जबरदस्त भीड़ थी। लोगों में डर भी था कि कहीं ना कहीं कोरोना ने फिर दस्तक दी है, वैक्सीन इसका एकमात्र उपाय है, इसलिए वैक्सीन को लगवा लिया जाए। बावजूद इसके लोग बिना मास्क के लाइन में खड़े रहे, एक दूसरे से सड़के खड़े हैं, वहाँ उन्हें कोई समझाने वाला खड़ने वाला भी नहीं था। तो कुल मिला जुला गोरखपुर में एक बार फिर कोरोना ने पूरी तरीके से रफ्तार पकड़ ली है। जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है वो अब बढ़ता ही जा रहा है, इसमें एक दिन भी कोरोना के जो मरीज थे वो घटे नहीं। तो कुल मिला जुला गोरखपुर में कोरोना का बम फूट चुका है, लोग पूरी तरीके से लापरवाह है। जिला प्रशासन की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से लापरवाह बना हुआ है। जी गोविंद, अगर बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो अस्पतालों में क्या कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है, जिस तरह से 51-71 इस तरीके के बड़े बड़े मामले अलग अलग जिलों से सामने आ रहे हैं, तो गोरखपुर में जो अस्पतालों की व्यवस्था है वो कैसी देखने को मिल रही है? अस्पतालों की व्यवस्था करें तो उसको चाक चौबंद पहले से कर दिए गए हैं। गोरखपुर के जो जो जिला चिकित्सालय है उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया, अभी चालू है, बेड जो है बनकर तैयार है। गोरखपुर में लगभग 4 से 5 ऐसे अस्पताल हैं जहां कोविड को लेकर मरीज को भर्ती करने के लिए पूरी तरीके से व्यवस्थाएं पहले से सुचारू रूप से कर ली गई हैं। बच्चों को देखते हुए बच्चों के भी बेड़े बना दी गई हैं। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है, अगर कोरोना के मरीज बढ़ते हैं और उन्हें कहीं हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है तो इसको लेकर गोरखपुर का जो स्वास्थ्य महकमा है पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन लोग है वो मानने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गोविंद कुशवाहा जुड़े थे गोरखपुर से।
खबर सामने आ रही है जब पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक ओमिक्रोन के चलते होगी वर्चुअली बैठक। बड़ी खबर सामने आ रही है, सुबह 11 बजे कैबिनेट की होगी बैठक। पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक होगी दिल्ली से। बड़ी खबर सामने आ रही है, ओमिक्रोन के चलते होगी वर्चुअली बैठक। सुबह 11 बजे कैबिनेट की होगी बैठक। कोरोना पर लगातार चर्चा करते हुए नजर आ रहे पीएम, वहीं आज ओमिक्रोन पर भी चर्चा करते हुए बैठक करते हुए नजर आएंगे। वर्चुअली बैठक का आयोजन किया जाएगा, सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में होगी कैबिनेट बैठक दिल्ली से। बड़ी खबर सामने आ रही है, ओमिक्रोन के चलते वर्चुअली बैठक की जाएगी। यूपी में लगातार बढ़ रहा कोरोना, बड़ी खबर सामने आ रही, 24 घंटे में 2038 नए मरीज मिले। गौतम बुद्ध नगर में 511 नए कोरोना मरीज मिले, बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में 288, गाजियाबाद में 255 मरीज, मेरठ में 110, वाराणसी में 97 कोरोना केस आए सामने। यूपी में कोरोना के एक्टिव मरीज 5158। यूपी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 24 घंटे में 2038 नए कोरोना मरीज मिले हैं प्रदेश में। गौतम बुद्ध नगर में 511 नए कोरोना मरीज मिले, लखनऊ में 288, गाजियाबाद में 255 मरीज मिले, मेरठ में 110, वाराणसी में 97 कोरोना मरीज आए सामने। यूपी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5158। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।